सलात के बाद मुअज्जज़ व मुकर्रम आली मर्तबत जी वक़ार मेहमानान गिरामी हज़रात सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुनअक़िदा तकरीब में हाजिरी मेरे लिए शर्फ है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेज़बान आली मर्तबत जनाब मोहतरम अरसलान अरसल साहब का कि जिन्होंने ये खूबसूरत मजलिस मुनअक़िद करके हमें एक दूसरे के पास बैठने का मौका फराहम दिया और कीमती लोगों की बातें सुनने का मौका नसीब हुआ। जिस अजीम शख्सियत को खिराज पेश करने के लिए आज हम जमा हुए हैं, मुझे एक बात याद आई कि मेरे एक बुज़ुर्ग थे और वो बहुत कम गो थे, लेकिन जब बात करते थे तो दो तीन लफ्ज़ ही होती लेकिन वो आग लगा देते। तो एक दिन मैं उनके पास बैठा हुआ था कि किसी शख्स के इंतकाल की खबर उन तक पहुंची और वो शख्स भी बड़ा बाकमाल था, तो इजहार अफसोस के कोई लफ्ज़ कहने की बजाय उन्होंने खामोशी इख्तियार कर लिया। तो हम जितने भी पास बैठे थे हमारा ख्याल था कि ये उनके बारे में कुछ इरशाद फरमाएंगे, लेकिन वो देर तक खामोश रहे और महफिल के ऊपर एक सुकूत सा तारी हो गया। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने सर उठाया और दो लफ्ज़ कहे, और आज मैं भी अपने मुमदू के लिए वही दो लफ्ज़ कहता हूँ। उन्होंने सर उठा के कहा, बुरे लोग ही मर क्यों जाते हैं। तो अजीब रिश्ता सीने में आतिश भड़कने लगे। तो ये वजूद रोज़ रोज़ नहीं मिलते जिन्होंने ना तो शौरन समझा और फिर मुआज समझ कर नहीं मिशन समझ कर उस फरीजे को अंजाम दिया, और कभी भी तस्करा हो रहा था 15-20 साल कबल से जो इस शोबे में हुआ तो बड़े बड़े बुरज उलट गए और अपने अंदाज से अपनी रिवायत से हट गए, लेकिन वो कोहे गिरां की तरह जमे रहे और उन्होंने ना ही उस रिवायत को जिंदा रखा। और आज हम देखते हैं कि उनकी रिवायत के अमीन कितने लोग हमें नजर आते हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। नात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में दस्त बस्ता हाजिरी को कहते हैं। हसरत हुसैन हसरत ने कहा था, ज़ुबां हो महव तौसीफ़ सुना तो नात कहता हूँ, ज़ुबां हो महव तौसीफ़ सना तो नात कहता हूँ, बने जब धड़कने सल्ले अला तो नात कहता हूँ। ये अकीदतों का एक रंग है। उर्फ़ी का जिक्र हुआ, उसने कितनी खूबसूरत बात कही, उर्फ़ी मशताब ई रहे ना तस्तना सहरा, उर्फी मत दौड़ना, ये कोई सहरा नहीं है कि मुंह उठा के जिधर मर्जी चली जाए, यहाँ कदम कदम पे एहतियात है, ले सांस भी आहिस्ता के दरबार नबी। ये चौखट है हुजूर। इज़्ज़त बुखारी का शेर है, इकबाल ने अपने कलाम में दर्ज किया, अदब का हेस ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़िल था, नफस गुम करता भी आए जुनैद व बायज़ीद।
यहाँ जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी आए तो वो भी सांसों को रोक के आते हैं। अहले नजर तो सांसों का शोर भी खिलाफ अदब समझते हैं। तो ये नात अकीदतों का एक रंग है। तो जब से हमारी महाफिल नात का स्टाइल और अंदाज क्रिकेट मैच की तरह हो गया तो फिर हाथ उठते रहे, नारे लगते रहे, लेकिन आंसू छिन गए। इश्क़ रसूल की दौलत जो इन महाफिल से नसीब होती थी और उसकी आबियारी होती थी, फिर वो होना छोड़ गई। बरसते नोटों के अंदर कौन जो है वो उस माहौल को कायम रख सकता है। तो ये रिवायत जो इस दौर में आई तो क़िबला शाह साहब ने अपने आप को उससे हर सूरत अपने दामन को बचा के रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का नगमा अजल से छिड़ा है और ताबअबद बाकी रहेगा। और हर दौर में ये उलूही इंतज़ाम है कि अल्लाह ऐसे लोग पैदा करेगा कि जिसकी हकीकी रिवायत को बाकी रखें। तो बिलाशुबा इस दौर में इस रिवायत को शाह साहब ने बाकी रखा। आज हम सब उनको खिराज मोहब्बत पेश करते हैं और उनको अकीदतों का सलाम पेश करते हैं। नात हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसमें बाकायदा तनकीद का आगाज़ हुजूर की ज़ुबान से हुआ। जब काब बिन ज़ुहैर के बारे में हुजूर का सख्त हुक्म हुआ, मन लगिया मिनकुम काब बिन ज़ुहैर फलयक्तुल, फतह मक्का के मौके पर हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सबको आज़ादी है, जो हाथ खड़े कर दे उसको भी माफ़ कर दिया जाए, जो सेने हरम में आ जाए उसे भी माफ़ी दे दी जाए, जो अबू सफियान के घर में चला जाए उसको भी छोड़ दिया जाए, जो माजरत कर ले उसकी माजरत कबूल कर ली जाए, जो हथियार पहन दे उसके उसकी माजरत कबूल कर ली जाए। लेकिन 6-7 अशख़ास के बारे में हुजूर ने सख्त हुक्म दिया, उनमें एक काब बिन ज़ुहैर नाम लेकर कहा कि तुम में से जिसको भी काब बिन ज़ुहैर मिले उसे कत्ल कर दिया जाए। काब बिन ज़ुहैर भाग गया मक्का छोड़ के। उसके भाई ने उसको खत लिखा और उसमें लिखा कि कितनी देर तक हुजूर के गुलामों की नजरों से छुपेगा, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल कर। कहा हुजूर के गुलाम तो कायनात के एक गोशे पर फैल रहे हैं, तो कब तक छुपेगा? लेकिन मैं तुझे कहता हूँ अगर तू खुद खुद की खिदमत में हाजिर हो जाए और अपना मामला पेश करे तो वो रहमतुल्लिल आलमीन है। हुजूर यहाँ से मदीनतुल रसूल चले गए। ये रात की तारीकी में छुपता हुआ मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचा। फजर के वक्त हुजूर मस्जिद में आए तो ये भी चादर ओढ़े हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आके बैठ गया और अर्ज करने लगा, हुजूर अगर काब बिन ज़ुहैर को ढूंढ लाएं तो आप उसे माफ़ कर देंगे? हुजूर ने मुस्करा के कहा, काब तो आ गया है, जा मुझे माफ़ कर। काब बिन ज़ुहैर को माफ़ कर दिया गया। अल्लाह अकबर। तो काब बिन ज़ुहैर ने अर्ज की, हुजूर अगर आप इजाज़त दें तो जिस ज़ुबान से आपकी हिजब करता रहा हूँ आज उसी ज़ुबान से आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, काब ज़रा ठहर जो मिंबर पे चले जाते। असहाब भी आ गए, मिंबर बिछ गया और हज़रत काब मिंबर पे खड़े हुए और अपना मशहूर कसीदा बानत सवाल आपने पढ़ा और उसके अंदर उन्होंने कहा, अतः तो इंद रसूलुल्लाह मुतज़िरन वल उज़्रु इंद रसूलुल्लाह मक़बूल। लोगों, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माफ़ी मांगने आया था, यहाँ आकर पता चला नबी तो है ही बड़ा लजबा। अगले उसके लफ्ज़ सुनिए, इन रसूल लनूर युस्तज़ाउ बिही मुहन्नदुन सैफ मिन सयूफिल हिंद मस्मूद। बिला शुबा यकीनन बगैर किसी शक के तीन ताकीदें हैं, इन रसूल लनूर, इन्ना हरफ़े तहकीक है, फिर नूर के ऊपर लाम ताकीद का है और फिर ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया भी महल ताकीद में होता है। तीन ताकीदें लगा कर वो कह रहे हैं इन रसूल लनूर। हमारी तो जिंदगी गुजर गई कभी इस बहस से ना निकले कि वो नूर थे या बशर थे, ये अभी ईमानदार है और अभी शरे सदर हो रहा है। इन रसूल लनूर युस्तज़ाउ बिही मुहन्नद, नबी ऐसे नूर हैं जो खुद ही रोशन नहीं जमाने को भी चमका है। इसीलिए मेरे इमाम ने छोरी फैला के कहा ना, चमक तुमसे बातें हैं सब पाने वाले।
मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। तो कहा इन्ना रसूला लनूरुन युस्तज़ाउ बिही मुहन्नत, नबी ऐसे नूर हैं जिससे पूरा ज़माना चमक रहा है। सैफ़ मिन सयूफिल हिंद मस्ऊद, हिंदुस्तान की तनी हुई तलवार में से एक तलवार। तो जब उन्होंने ये कहा, क्योंकि उस ज़माने में हिंदुस्तान के लोहे की सलाबत मशहूर थी और मारूफ लोहा था, इसलिए हिंदुस्तान के लोहे की तलवार कही। हुजूर ने यहाँ इस्लाह देते हुए फरमाया कि काब मुझे हिंदुस्तान के लोहे की तलवार न, इसमें इस्लाह ले लो। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि कहो सैफ मिन सयूफिल्लाह मस्ऊद, हालांकि सयूफुल हिंद कहने से बेअदबी नहीं थी, लेकिन मुनासिब नहीं था कि सयूफुल हिंद कहा जाता। तो नात में ये देखा जाता है कि कौन सा लफ्ज़ हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अदब के तकाजों को तमाम तर तकाजों को पूरा करता है। तो ये नहीं है जो लफ्ज़ जुबान पे आ जाए वो कह दिया जाए। तो इसका आगाज खुद रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो है वो हुआ, और हुजूर ने नात में तनकीद का खुद आगाज किया। और एक लफ्ज था हुजूर ने फरमाया मुझे यूं ना कहो सयूफुल हिंद ना कहो बल्कि सयूफुल ना। अब इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं हमारे नातिया अदब में लिखने वालों ने जो ज्यादती की, फिर पढ़ने वालों ने जो ज्यादती की, फिर महाफिल नात का जो स्टाइल हमारा हुआ और अंदाज इख्तियार किया गया, और फिर इसको मिशन नहीं मुआज समझ लिया गया, तो फिर उस नतीजे के अंदर क्या हुआ? इससे ये जो महाफिल नात का माहौल पैदा हुआ इंसानों के अंदर, अगर ये अपनी हकीकी रिवायत के साथ पैदा होता तो इससे जो नहजत होती तहरीक की उससे उम्मत का गलबा, उसका ख्वाब शर्मिंदा तभी हो सकता था। चूंकि इस उम्मत ने गालिब तभी होना है जब इसमें मोहम्मद से चरागा होगा। इकबाल के सारे फलसफे का रस न छोड़ो तो खुलासा यही निकलता है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। तो इस नाम से तो चरागा हो जाना, पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होगा। लेकिन हमने इसको जब उसके उसकी हकीकी रिवायत से हटकर इसकी महाफिल को मजालस को मुनाफिद किया तो फिर वो मकसद हासिल ना हो, बल्कि हमारी ये महाफिल हदफ तनकीद बनी, और जिसके नतीजे के अंदर हमें बहुत जो है शर्मसारी की। लिखने वालों ने ऐसा लिखा और इस तरह का कलाम जो है वो तख्लीक किया कि अलयाज़ अल्लाह, और पढ़ने वालों ने फिर जो अंदाज तैयार किया और उन मुतबज़ल तर्जों पे नात पढ़ी जो गाने के लिए मखसूस थी और मारूफ थी। मैं कहता हूँ कि जब नात पढ़ रही हो, नात पढ़ी जा रही हो, तो उस वक्त कोई और तसव्वुर ज़हन में नहीं होना चाहिए, और अगर वो तर्ज जो गाने के लिए मारूफ हो जब उसमें नात पढ़ी जा रही होगी तो ऊपर नात चल रही होगी, नीचे वो तर्ज चल रही होगी। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नात के तकाजों के बरक्स है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात खानी के जो आदाब हैं उनको जिस खूबसूरती के साथ हज़रत क़िबला पीर सैयद मंज़ूर कौनैन शाह साहब ने निभाया और उस रिवायत को ज़िंदा रखा, और फिर जो है वो अपना अक्स भी छोड़ा कितने शागिर्दों की सूरत के अंदर, और ये रिवायत आज अपने हकीकी अंदाज में मौजूद है। तो यकीनन ये उन्हीं के सर पे सेहरा है, और वो मुश्किल तरीन हालात थे जिन हालात में उन्होंने ये अलम गिरने नहीं दिया है। तो आज इस मजलिस में हम उन्हें खिराज पेश करते हैं और उन्हें मोहब्बतें और उन्हें उनकी खिदमत में उल्फतों के फूल पेश करते हैं। अल्लाह उनकी कब्र रहमत पे करोड़ों रहमतों का नसीब फरमाए। सादी कहाँ याद आए अजब नेज़ खाक अगर गुल शगुफ्त, कि चंदी गुल अंदामदार खाक खुफ्त। सादी कहते हैं कि ज़मीन अगर फूल उगाती है तो क्या एहसान हुआ, कई फूलों जैसे खा भी तो गई। वो बाबरकत वजूद आज हमसे रुखसत हुआ, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों के सवेरे नाज़िल फरमाए। मुझे हुक्म था और इनकार की गुंजाइश नहीं थी, वरना मेरी तबा आज कल जो है वो आराम की है, गुफ्तगू की नहीं। बादल फिर भी हाजिर हुआ और हाजिर आना ही पड़ता है, और अल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर की मदो सताइश में रत बन लिसान रहने की तौफीकात से हमारा मान रखे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। वह आखिर